कह सकते हैं कि आपने तो अपना मैनिफेस्टो निकाल दिया अपने हलके के लिए। मैंने निकाल दिया, मेरे तो आपने मेरे से पूछ लिया बाई चांस, ये मेरे विजन है और मैं सोचता हूँ। अब मेरा तो सब कुछ भिवानी है, अब लंदन पेरिस घूम के देखा दिल पर एक से एक, और दिल वालों की भिवानी में मेरे दिल को लगी ब्रेक। हमें तो यहीं रहना है, समय के अंदर अंदर हो जाएं, सारे देश की कॉलोनियाँ इम्प्रूव होगी, ये पास हो गई। भिवानी ने के मोरनी के भट्ठा मार रखा, इनकी 47 कॉलोनियाँ थी, अब तक नहीं हुई। डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज साहब आगे दो बात तीन से पहले काम करूंगा। डॉक्टर साहब नमस्ते, कैसे हैं? जंगल में शेर एक लाख है और क्या है? हाँ। जो जंगल में शेर है, शेर क्या, हम तो साधारण आदमी है, जनता के सेवक है, जनता की सेवा है। डॉक्टर साहब हार्दिक शुभकामना है आपको, आपकी पार्टी को, कि आपका एक साल हो चुका अमृतसर, अमृतसर में आपके साइड में एम्बुलेंस आई हुई, निकालो प्लीज, तो एम्बुलेंस निकालने का काम होगा क्या? इधर से बताएं, तो एक साल पहले संदेश गया था पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, और सभी प्रतिनिधि नेता के प्रति, तो अब क्या बात है, एक साल बाद में क्या बदलाव आ रहा, किस प्रकार से बदलाव देख रहे? आज भारत जोड़ो यात्रा का पहली वर्षगांठ का पहला दिन है, आज राहुल जी ने ये शुरू किया था, कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक, और एक साल में जो बदलाव आपने देखा है जनता के बीच में, वो से आज सरकार है, नेता है, प्रदेश के राजा है, वो बार बार आ रहे, लोगों के बीच में जनसंवाद हो रहा, लोगों की समस्या सुनी जा रही, और कल की बात जिले का उद्घाटन था, शहर के अंदर खाना था किसी व्यापारी के घर पे, क्या मानते हैं? इनको तो माहौल ऐसा बनाना चाहिए था, जेलें की जरूरत ही ना पड़े, इनको तो इंस्टीट्यूशन बनानी चाहिए जहाँ पढ़ाई हो, जहाँ बच्चों को स्किल मिले, जहाँ रोजगार मिले। एक स्कूल, एक कॉलेज, एक जेल को बंद करता है, मैं ये बताना चाहता हूँ, इनकी सोच ही कुछ नहीं है। ये तो जो 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 है फैजर तरीके से संवाद है ही नहीं। आप बता दो, आप मेरे साथ चलो अभी जी, कोई 10 आदमियों के पास चलते हैं, और कौन मुख्यमंत्री खट्टर से मिल सके, आप बताओ। पहले सब आप बताएं, आपके एमएलए साथी रहे हैं, घनश्याम दास जी हैं, तो आप कभी उनसे मिलते भी हैं कि घनश्याम तू क्या किसान में करवा रहा, हल्के में क्या करवा रहा, तेरी राय दे, बताएं क्या, आप एमएलए रहे हैं? अब बहुत ज़्यादा मुलाकात तो नहीं है, पर कभी मिलती है तो हमारा दुआ सलाम ठीक है। घनश्याम एक सीधा सीधा साधा आदमी है, पर उसके पास का कुछ नहीं है। तो जिस प्रकार से राहुल जी वो हुआ ना हुआ बराबर है, तो राहुल गांधी जिस प्रकार से बात को जोड़ने बात कर रहा, हरियाणा प्रदेश तो कांग्रेस की फूट दिख रही सर, क्या मानते हैं? ऐसा है, हर पार्टी में फूट है, मैं तो झूठ बोलता नहीं, कई लोग कहते हैं कि नहीं फूट है। अच्छा जी, लेकिन सच्चाई ये है। जी डॉक्टर साहब ऊपर जाएंगे, डॉक्टर साहब उफ अर्पित करके जाएंगे जी, ये प्यार प्रेम बना रहे, जिला साहब प्यार प्रेम बना रहे। डॉक्टर साहब आज अपनी अधूरी बात रहेगी, पीछे बात रहेगी नहीं, बात पूरी अब करेंगे सर, सवाल तो याद होगा आपको, बताए सर आपने। और हरियाणा का तो आप लिख लो जी, मैं कभी ऐसे बिना ऑथेंटिक बिना उसकी बात नहीं करता जी, 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। ठीक है सर, मुख्यमंत्री साहब के वापस सवाल को ऊपर थे, मुख्यमंत्री साहब दो दिन पहले आए हैं, जेल का उद्घाटन किया है, कैदियों के लिए सुविधा दी है और जेल को और बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन सर जिस प्रकार से जेल के आगे से देवनगर की बात करो तो 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में वो शहर में घूमे सर। मुख्यमंत्री जी बेशक ईमानदार आदमी, मुख्यमंत्री जी बेसिकली एक अच्छे आदमी, मुख्यमंत्री जी मेरे रोहतक गवर्नमेंट कॉलेज में एक साल जूनियर थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जो ग्राउंड लेवल की डिफिकल्टीज है वो पता नहीं, सच्चाई है। ठीक है सर, बताने वाले तीन तीन बार के वाले क्या, मुख्यमंत्री जी खुद तो ईमानदार हो गए, लेकिन उनकी टीम इतनी भ्रष्ट लोगों की है कि आप मैं मेरे मुंह से ना ही सारी बातें करवाओ, बताइए आप जो आपको कहीं ना कहीं एक उनकी टीम बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कहीं भी दफ्तर में जाके देखो, म्युनिसिपल कमेटी का ही आपने हाल देख लिया, कभी इतना बुरा हाल था जी जी जो पीछे हुआ इधर सर, क्या ये मुख्यमंत्री जी के कंट्रोल की बात नहीं है? शुड ही नॉट कंट्रोल इट? अगर वो नहीं कर सकते तो फिर उनको कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए, उनको अच्छे योग्य अफसर लगाने चाहिए जो
चीजों को कंट्रोल कर सके, भ्रष्टाचार को खत्म कर सके, जो लोगों के काम होने चाहिए। कहने को तो चार्टर लगा दिए, ये काम 15 दिन में होना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब 4 महीने पहले लगभग आए थे, अब फिर से आए हैं, तो इससे क्या संदेश जाएगा राजनीति के अंदर, क्या संदेश जाएगा, किस प्रकार से देगा ये मुख्यमंत्री? आते बोझा लगती सर, बेचारे एक शरीफ आदमी है मुख्यमंत्री जी, बेचारे एक संगठन के आदमी है, उन्होंने लंबा समय वहाँ पे बिताया है, और लेकिन वो अपनी गवर्नेंस अच्छी नहीं कर पाई है, मुझे भी थोड़ा दुख के साथ कहना। मुख्यमंत्री सिर्फ बदमाश कौन है सर, वो तो बताओ। बदमाश कोई नहीं होगा चाहे, लेकिन गवर्नेंस तो अच्छी नहीं है ना। गवर्नेंस अगर अच्छी हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि गुंडे गवर्नेंस अच्छी कर सकते हैं, शरीफ आदमी भी अच्छी गवर्नेंस कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सर क्या मिल रहा है जनता को, प्रदेश को, शहर को, धोखा मिल रहा है, ठगी मिल रही है, वो पछता रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दे दिया, और इसीलिए ये जो माहौल आप देख रहे हो सारे हरियाणा में और देश में भी जो थोड़ा थोड़ा होने लगा है, वो बदला होगा। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल लोगों के जहन में अभी बना हुआ, जिसका बारे में सवाल करता हूँ आपके पार्टी के नेताओं से, मैं सवाल करता हूँ, किसी प्रकार से अगर हुड्डा साहब का प्रोग्राम हो तो वहाँ पे किरण मैडम के प्रोग्राम में बंदे नहीं दिखते, अगर किरण का प्रोग्राम हो तो वहाँ पे हुड्डा के प्रोग्राम में बंदे नहीं दिखते, यानी लगता नहीं सर अलग अलग टोलियों पर अलग अलग टुकड़ी बनी हुई? आप मैं बताऊँ, कोई बलवान नहीं, समय बलवान है, एक समय ऐसा आ जाएगा सब इकट्ठे हो जाएंगे, आप सारी कांग्रेस इकट्ठी हो। और सर मंत्र बताएं कांग्रेस इकट्ठी करने का, सर मंत्र वाले लगे हुए हैं, हमारी तो जब भी ये बातें होती हैं इस पे विचार भी होता है, और अब आप देख रहे होंगे अब उतना मतभेद भी नहीं है, अपने उतने अंदर जहर नहीं है, ये थोड़े बहुत कुछ अति उत्साहिक लोग हैं वो कर देते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में ये सब एक हो जाएंगे, सारी कांग्रेस एक होगी, कांग्रेस मजबूत रहेगी, और सब एक होके ये लड़ेंगे। आज क्या संदेश देंगे आपके विधायक, वर्तमान के विधायक जी को, और एमपी साहब को, और नगर परिषद के चेयरपर्सन को, क्योंकि जो चैन कड़ी है वो सारी बात से जुड़ी है सर, क्या संदेश देंगे सर? मैं तो यही संदेश दूंगा कि लोगों के काम हो, जो चार्टर बनाया है कम से कम उस समय के अंदर अंदर हो जाएं, सारे देश की कॉलोनियां इंप्रूव होगी, ये पास हो गई, भिवानी ने के मोरनी के भट्ठा मार रखा है, इनकी 47 कॉलोनियां थी अब तक नहीं हुई। मेरी हुड्डा साहब से लड़ाइयां होती थी, और कितने ऐसे काम थे, एक दिन हुड्डा साहब मान जाते थे, बट ही वॉज अकोमोडेटिव, वो कंसिडर करते थे, वो ये भी कहते थे जब हम सब मंत्री बैठे होते थे, एक आध बार कह देते थे डॉक्टर भारद्वाज ने मेरा डंडा दे रखा है, वो कहते थे कि भाई वो कोई अपने पर्सनल काम एक नहीं कराता, सारे शहर के काम कराता है, सार्वजनिक काम कराता है, और जितनी आप ये देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज आज जो बन रहा है, मेरा मन कितना खुश है। जिस दिन मैं पहली बार मैंने बोला 2005 में वहाँ पर जाके, सबसे पहले मैंने मांग उठाई कि भिवानी में भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। सर कैसे ये आपकी देन है सर, आज भिवानी के अंदर? मेरी देन नहीं है, ये देन कांग्रेस पार्टी की है, आप ये समझें, ये हुड्डा साहब की भी ये देन है, उन्होंने मंजूर उस वक्त भी कर लिया था, करतार देवी जी ने बहुत मेरी मदद करी, वो भी मानती थी कि हाँ भाई डॉक्टर तो ठीक कह है कि मेडिकल कॉलेज भिवानी में होना चाहिए। सर राजनीति की मेडिकल कॉलेज को ऊपर भी देखी जा सकती है भाजपा की? कुछ राजनीति नहीं है, ये चौधरी बंसी लाल जी ने बहुत बड़ा काम यहाँ पे किया था, एशिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बढ़िया अस्पताल भिवानी का बनाया, और इस भिवानी की तरफ आकर्षित होकर मैं आया। चौधरी बंसीलाल जी पूरे हरियाणा के निर्माता थे, आज जो सड़कों का जाल आप देख रहे हो ये किसने बिछाया, ये उनकी दूरगामी सोच थी, उनकी विजन था। आज लिफ्ट इरिगेशन क्या आप सोच सकते हैं, ये बंसीलाल जी की देन थी। आज आप हर गांव में बिजली देख रहे हैं, कितनी ऐसी चीज़ें थी। आज ये सिविल हॉस्पिटल और अब ये मेडिकल कॉलेज किसकी देन है, ये उनकी दूरगामी सोच थी, खुद आते थे, कितनी बार देखते थे, मेरे को भी एज ए डॉक्टर उनके साथ रहने का मौका मिला, कई बार मैंने उनका ब्लड प्रेशर लिया, और उनकी एक बहुत अच्छी सोच थी, और मैंने उनकी ही सोच को आगे बढ़ा के विधानसभा में ये बोला कि जैसे रोहतक में मेडिकल कॉलेज है, जैसे रोहतक में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की सबसे पहले मांग मैंने उठाई यहाँ से, और ये 2 ओवरब्रिज ये रेलवे के ओवरब्रिज 22 करोड़ से बने, इसके लिए बहुत संघर्ष मुझे करना पड़ा, दीपेंद्र ने मेरी बहुत मदद करी, चीफ मिनिस्टर का बेटा होके वो खुद मेरे साथ जाता था दफ्तरों में, और दोनों ओवरब्रिज पास कराए, कितनी ऐसी चीज़ें थी जो बैंक कॉलोनी में पानी नहीं था, प्यासी थी, हमने पहला बूस्टर वहाँ पर बनवाया, कितने गाँव ऐसे थे, 99 वाटर वर्क्स हमने बनवाया, पानी का सोर्स जो था वो यहाँ पे बैटर किया तो आपके काम तो से काम नहीं हो पाए, वंचित रह गए आपके दिमाग से, भाई आपके काम होने चाहिए थे, तो अब आपकी आगे की तैयारियाँ क्या है, कि आगे की रणनीति क्या है राजनीति? सबसे पहले काम तो ये पार्क है, ये देखो पार्क क्या है,
क्या हाल कर दिया इसका, किरोड़ीमल का नाम भी डुबो दिया जी। ये किरोड़ीमल पार्क होता था क्या, ये सुंदर पार्क नहीं होना चाहिए जैसा हुड्डा पार्क है जी? आप बताओ मुझे, अगर हमें मौका लगेगा तो हम भी हुड्डा साहब से बात करके इस पार्क को एक सुंदर पार्क बनाएंगे, जिसमें मैं अजय भी यहाँ पे घूमेगा और यहीं घूमते घूमते आपसे फिर बात। चलो सर, थैंक यू सर। तो मैं अजय भी घूमेगा, डॉक्टर भी घूमेंगे, ये अच्छी बात है किसी नेता के लिए सर, अच्छी बात है उस व्यक्ति के लिए जो अपने हल्के के लिए सोचता हो। और अपने भी एक तो मेरे प्रोजेक्ट हैं जो हैं, बाकी तो मैं समय आने पे ही बताऊंगा, लेकिन एक गरीब गुरुपत में लड़कियों का स्कूल, एक टीस है मेरे अंदर, या पिपली वाली जोड़ी पे होना चाहिए था, या बिछवाना जोड़ की जगह होना चाहिए था, जो नई हाउसिंग बोर्ड बनी है यहाँ पे भी एक मैंने प्रपोज किया था, 12 एकड़ की ज़मीन थी ये, इसमें एक लड़कियों का स्कूल होता, जिसमें फुटबॉल का भी होता, इसमें बैडमिंटन का भी होता, जिसमें वॉलीबॉल का भी ग्राउंड होता, जिसमें हॉस्टल भी होता है, जिसमें सब सुविधाएं होती, क्योंकि जगह ये स्कूल है, इस स्कूल में 3,000 से ज़्यादा बच्चियाँ थी और 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है, शाम को 6 बजे जब सर्दियों में बच्चियाँ थोड़ी सी अंधेरे में लेट हो जाती हैं तो माँ बाप का दिल धड़ धड़ करता है, तो ये एक स्कूल की यहाँ पर बड़ी सख्त ज़रूरत थी। अगर ये अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षण संस्थाएं यहाँ पे बनाएंगे, जेलों की ज़रूरत नहीं रहेगी, बच्चों को स्किल्ड बनाएं, ऐसा बनाएं कि वो अपने हाथ से कुछ काम करें, अपने पैरों पे खड़े हों, ये ऐसे काम करेंगे तो एक अच्छी इंस्टीट्यूशन एक जेल को ख़त्म करती है। ये मैं नहीं कहता, ये मैंने लिटरेचर में पढ़ा है, और जीवन स्तर सुधारना चाहिए, वो मेरा एक भारद्वाज 4 पॉइंट प्रोग्राम अगर आपने सुना हो तो, जब सोनिया जी भी आई थी तब भी मैंने बोला था, हर घर में स्वच्छ जल हो, हर घर में स्वच्छ शौचालय हो, मोदी जी तो बहुत बाद में बोलने लगे हैं, हर बच्चे को ऐसी शिक्षा दें वो कुछ ना कुछ नर्स बन जी बने, चाहे फिटर बने, चाहे आपकी तरह पत्रकार बने, कुछ भी बने, वो खुद कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जिसको जॉब मिले उसको। और चौथा मेरा पॉइंट था कि नो टू करप्शन, मोदी जी बहुत बाद में बोलने लगे लेकिन कर नहीं पाए, ना खट्टर साहब कर पाए ना वो कर पाए, नो टू करप्शन होना चाहिए। आपने कहा शरीफ मुख्यमंत्री है, शरीफ मुख्यमंत्री है पर गवर्नेंस के मामले में थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि आपने तो अपना मैनिफेस्टो निकाल दिया अपने हलके के लिए। मैंने निकाल दिया, मेरे तो आपने मेरे से पूछ लिया बाय चांस, ये मेरे विजन हैं और मैं सोचता हूँ, अब मेरा तो सब कुछ भिवानी है, अब लंदन पेरिस घूम के देखा दिल पर एक से एक और दिल वालों की भिवानी में मेरे दिल को लगी ब्रेक, हमें तो यहीं रहना है, यहीं हमारा जो है सब कुछ होगा, तो अब जो थोड़े बहुत दिन रह गए हैं मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा स्थान है, मेरा ज़िला है, मेरा शहर है, इसमें मेरा योगदान भी कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा हो जाकि आने वाली पीढ़ी को फायदा, जनता की सेवा में गुजरे जो दिन रोजगार मिले बच्चों को। फैक्ट्रियां बंद होगी, मोता फैक्ट्री बंद होगी, रामा फाइबर बंद होगी, TIT में कभी 7,000 मजदूर होता था, आज 70 भी नहीं रह गया, BTM का ये हाल हो गया कि बिरला जी को ही बेचनी पड़ेगी, डॉलियन ने किसने ले ली है। ये शहर तभी होगा जब यहाँ पे इंडस्ट्री पनपी, बड़े बड़े नेता आए, कुलदीप जी भी बोल गए कि मैं यहाँ पे बनूंगा, मैं घर ले रहा हूँ, कल रजिस्ट्री हो जाएगी, परसों ये हो जाएगा, बड़ा कारखाना एक लगाऊंगा। और वो अभी मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, मुझे कपूरथला का एक डॉक्टर मिला वहाँ पे, वो बोला मैं रेल फैक्ट्री में, वहाँ पे रेलवे में नौकरी करता हूँ, रेलवे में सर्जन। मैंने कहा भाई ये कपूरथला में जो लोग ना, ये सच्ची बात तो ये है कि अगर बंसीलाल जी की चलती तो हमारे कपूरथला की वाली फैक्ट्री ये भिवानी के लिए थी, तो ये सपने थे बंसीलाल जी को, उनका भी एक विजन था, जांग में अगर चंडीगढ़ जैसी राजधानी बन जाती कितना अच्छा होता इस क्षेत्र पे, कोई बात वो वंचित रह गया, ये सब इस जगह का भी समय आएगा और यहाँ भी इम्प्रूवमेंट होगी, यहाँ भी रोजगार के साधन होंगे, यहाँ भी बच्चों को शिक्षण संस्थाएं अच्छी मिलेंगी, यहाँ भी अनेक विकास के कार्य। थैंक यू सर जी।